तो गाइस देख पा रहे हो इस वाले वीडियो में मैं बताया था कि विनर हो सकते हैं, तो देखते हैं कि इस वाले वीडियो में मेरा विनर कौन निकल के आए। ठीक है, जो निकल के आएगा उसका मैं रिचार्ज कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो गाइस देख पा रहे भाई ये निकल के आया बंदा, जिस बंदे का नाम है विकास कुमार। ठीक है, और देख पा रहे इसका जो आईडी है मेंशन यहां पे किया गया है, और इसका फोटो देख सकते हो भाई, ये लड़का जो है इस वीडियो में विनर हो। ठीक है, अच्छे से वीडियो में कमेंट किया था और लाइक किया था, तो आप लोग भी विनर बन सकते हैं अगर ऐसा करेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट से इस बंदे का रिचार्ज करता हूँ। तो दोस्तों बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ, बट ऐसा फेक नहीं है, बस सब कुछ रियल है। ठीक है, तो जो मेरे वीडियो को फुल वॉच करता है और अच्छे से कमेंट करता है, ज़्यादा नहीं, बस मेरे वीडियो में 15-20 लोग ही कमेंट करते हैं, तो भाई उतने में आप लोग जीत सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रिचार्ज करते हैं विकास कुमार। ठीक है, मिलेगा और सामने लगा। तो भाई देखिए, मैं फटाफट से रिचार्ज किया और देखिए ये रहा मेरा मैसेज गया। ठीक है, पैसे का कटने का, और देखिए रिचार्ज सक्सेसफुल दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कमेंट में। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मजे करते होंगे। तो गाइस फिर से भी आ चुका हूँ मुंबई के बोरविला इलाके में जस्ट, तो क्योंकि बोरविला जो है ना बहुत फेमस इलाका है जस्ट। तो और आज हम लोग चलने वाले कहाँ पर, संजय गांधी नेशनल पार्क जस्ट। देखो ये रहा मेरे सामने संजय गांधी नेशनल पार्क, तो इसके अंदर चलेंगे और दिखाऊंगा आप लोगों को इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या प्राइस रहने वाला है और कितने सारे जानवर मुझे देखने को मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो गाइस मैं फटाफट से लिया टिकट 3, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त भी 2 लोग हैं, तो एक टिकट का पड़ा मुझे 94 रुपीज़। तो आगे चलते हैं और दिखाता आप लोगों को आगे मुझे और कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए मुझे अलग टिकट लगेगी। ठीक है भैया, ये लीजिए। तो गाइस मेरा टिकट पहले चेकिंग हुआ, ठीक है, और उन्होंने बताया कि 5:30 या 6 बजे ये क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग आते हैं तो भाई सुबह सुबह आइएगा। ठीक है, तब तभी आप लोग इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, तो देख पर हम लोग 3 हैं और तीनों किस्म के बंदर हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बंदर अलग है और हम लोग जो बंदर अलग है, हम लोग आज इस वीडियो में धूम मचाने वाले। क्या बोलते हैं बताओ, ये नाराज होगा पहले से, इसका मूड खराब है भाई, क्या होता हूँ। लड़की जब से धोखा दिया ना, मेरा नुकसान हुआ है। हाँ, लड़की ने धोखा दे दिया उसको, इसके लिए नो 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 नो। क्या बोलते हैं, तो गाइस देख पा रहे यहाँ बहुत सारे गाड़ी वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग गाड़ी से आते हैं, कुछ लोग पैदल और कुछ लोग साइकिल से। भाई जिसके पास जैसा है ना वैसा आता भाई, सब औकात की बात है भाई, हम लोग के औकात से सब बाहर है, तो हम लोग चलते पैदल और पैदल आप लोग को व्यू पूरा दिखा दो। ठीक है, तो गाइस देख पा रहे यहाँ पे लगा है लाइन बस का। ठीक है, और ये बस जैसे आएगा ना वैसे हम लोग चढ़ेंगे बस के ऊपर और चढ़ेंगे पहाड़ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि पहाड़ का नज़ारा आप लोग दिखने को मिलेगा, और है बारिश का मौसम। ठीक है, तो दिखाऊंगा आप लोग पूरा हरा हरियाली। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को जानते होंगे बारिश में भाई कितना हरियाली रहता है। ठीक है, तो वही हरियाली देखने के लिए आप लोग को ले चलता हूं पहाड़ के ऊपर। ठीक है, देख पर कितना सर पब्लिक भाई, सब लोग बस का वेट करेंगे, बस कब आएगा और कब चढ़ के हम लोग जाएंगे ऊपर। ठीक है, जैसे बारिश भैया आया ना वैसे हम लोग बस से उतरे। ठीक है, और भाई क्या होता, मौसम तो भाई खराब हो चुका है, बट आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा ब्लॉग में। ठीक है, कि यहाँ का और क्या क्या सीन है भाई, बारिश आ जाए चाहे तूफान आ जाए, मैं आप लोगों को पूरा व्यू यहाँ का दिखाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो छोड़ के भागे नहीं, जिस प्रकार से मैं नहीं भाग रहा। चला गया भाई, इसका नेटवर्क चला गया मोबाइल का, भाई मेरा भी गया। अब तेरा गर्लफ्रेंड का मैसेज कैसे आया? लड़की लोग और बंदर वगैरह भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो पिछले बार मैं आया था भाई, बंदर मुझे खाने के लिए मांग रहा था, बट मैं उसको दिया था केला वगैरह, आज लिए कुछ आया नहीं। ठीक है, तो देखते आगे क्या होता। ठीक है, तो गाइस देख पा रहे ये है कुछ सीढ़ी यार, वहाँ पे देखिए लोग आ रहे चढ़ के। ठीक है, और इधर जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मुझे ना दूसरे टिकट लेना पड़ा भाई, क्योंकि पहाड़ के पर जाने के लिए अलग से टिकट लगता है, जिसका प्राइस है भाई 25 रुपये। ठीक है, तो देखिए ये रहा पहाड़ी का व्यू भाई पूरा। ठीक है, इस पहाड़ के पर चलेंगे और कुछ गुफा वगैरह दिखाऊंगा, जो भाई बौद्ध धर्म की गुफा है ना वो दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत सारे भाई पुराने जमाने के गुफाएं हैं
जो आप लोग दिखाऊंगा, ठीक है। बारिश का मजा लीजिए भाई, और हरियाली का आप लोग मजा लीजिए, ठीक है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो गाइस देख पा रहे, ये है पूरा पहाड़ी का व्यू, ठीक है। और ये देख पा रहे कितना सारा गुफा है, इसके अंदर कुछ चलने का प्रयास करूँगा, ठीक है, और दिखाऊंगा। फिलहाल देख पा रहे मेरा दोस्त आज छाता लेगा भाई, इधर देख बाय बाय कर, हाँ बहुत अच्छा। तो गाइस देख पा रहे पानी आ गया भाई, बारिश आ गया, ठीक है। और कुछ लड़के लोग भाई इंतजार कर रहे हैं, देखिए कुछ लोग भाई छाता लेकर आए, कुछ लोग बिना छाता है भाई, फिर भी लोग भाई मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। भाई मैं तो भीग जाऊंगा लगता है, क्या बताऊँ कैसे क्या करूँ भाई, आपको बताओ कमेंट, ठीक है। छतरी भूल गया इसके लिए। तो गाइस देख पा रहे ऐसा कुछ बाहर से आए, ठीक, घूमने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग कहाँ से आए भाई घूमने के लिए? हाँ सर, आप लोग कहाँ से आए? मुंबई से। किस जगह से? मुंबई से। खास लोकेशन कहा? अच्छा मीरा रोड। हाँ ब्लॉग कर रहे तो कैसा है चैनल का नाम? मुंबई ब्लॉग। तो मैं भी आपने बनाया क्या ये? क्या ये मैं पहले का देना भाई, सब प्राकृतिक दे रहा है। तो गाइस देखो हम इंजॉय के मस्ती के लिए जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस देख पा रहे कुछ लोग भाई मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोग गम भुलाने के लिए भाई यहाँ पे आए, ठीक है। और देख पा रहे मेरे पीछे भाई सेल्फी ले रहे, ठीक है। खूब मस्ती कर रहे भाई पानी में भीग देती है, और मेरे दोस्त भाई भीग गए। तो भाई भीग के पूरा हो गया भाई, मैं बस गया, ठीक है, आज भीग जाऊंगा। अरे भाई मेरा गला भी खराब हो गया बताऊँ। तो गाइस देख पा रहे भाई जो लड़की लोग हैं ना भाई, सब लोग इंजॉय कर पानी भीग के, ठीक है। और वहाँ पे देखिए सब लोग कोने में पानी गिर रहे ना, वहाँ नहा रहे सब, ठीक है, जाके देखिए। और मैं तो भाई हल्का फल्का भीग गया, और लग रहा भाई सर्दी हो जाएगा इसके लिए मैं ज़्यादा भीग नहीं रहा, ठीक है। जब बारिश रुक जाएगा ना, जब तब मैं आ गया आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस देख पा रहे मैं अभी आ चुका हूँ ऊपर छोटी पे, ठीक है। अभी उतना ऊपर नहीं गया, बट कुछ ऊपर ही छोर पे मैं आया हूँ, ठीक है। और देखिए ये रहा मेरे पीछे का व्यू, आप लोग देख सकते हो भाई कितना भाई घना जंगल नीचे, ठीक है। और मेरे ऊपर भी कितना बड़ा पहाड़ है, ठीक है। और पहाड़ तो है, बट यहाँ देखिए ये सब बंदे लोग क्या कर रहे हैं, जो झरने पर जा रहे हैं, ठीक है। अगर उसे डूबेंगे ना भाई तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ डूबते हैं, ठीक है। और देखिए आप कुछ पब्लिक वगैरह मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोग तैर रहे हैं भाई, कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। इस देखिए बच्चे लोग सारे इंजॉय कर रहे हैं भाई, लड़का लड़के सब लोग आए हैं यहाँ पे, कपल्स लोग भी आए, कुछ फैमिली भी आया, सब लोग बस इंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पानी भाई, पानी और मजे ले रहे उछल उछल के, ठीक है। और ये जो मज़ा है ना भाई, ये मज़ा जिससे बारिश के मौसम में ही अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी दिन तो सूखा रहता है, बट यहाँ पे ठीक है। और देखिए ये ऊपर का व्यू, चलते हैं फटाफट से ऊपर और देखते हैं कि ऊपर का और क्या बात होती है, क्या सुन रही है। ठीक भाई पूरा चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पे। तो गाइस देख पा रहे भाई बारिश कितना जोरों का भाई, मैं छतरी लाना भूल गया और मेरे दोस्त चढ़ गए ऊपर, ठीक है। और देख पा रहे भाई यहाँ का सामने व्यू देखिए कितना तगड़ा भाई व्यू है, पूरा हरियाली सब जगह, ठीक है। ये देखिए ऊपर से कैसे दिखता है भाई, ये देखिए पूरा हरा हरा भाई दिख रहा है। ये देखिए जहाँ तक नज़र दिखाइएगा वहाँ देखिएगा पूरा पहाड़ी दिखेगी भाई आप लोगों को। ये देखिए ऊपर भी पहाड़ है, नीचे भी पहाड़ है भाई। तो गाइस देख पा रहे ये रहा मंकी, ठीक है। मैं बहुत प्रयास के बावजूद इसको भाई ढूंढ लाया हूँ, ठीक है। और देखिए एक नहीं भाई बहुत सारे हैं, कुछ पेड़ पे चढ़े हैं, कुछ नीचे गए, ठीक है। देखिए ये हरा हरा घास रहा भाई, इसके ऊपर देखिए पेड़ पे चढ़े हैं, और सब लोग भाई सब मंकी भाई इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं भाई। इसी को देखने के लिए देखिए इस जंगल में आया, ठीक है। और काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा किया, ठीक है। दिखा बंदर, दिखा तुझे कितना बंदर देखा तू? अरे बहुत है यार, गिनती में नहीं आ रही है। क्या बोला, कितना बंदर है? गिनती ही नहीं आ रही है। क्या बात है, तो क्या इतना बंदर है कि ये गिन नहीं पा रहे, क्या बताऊँ तुझे? गिनती आता है कि नहीं आता रे? नहीं नहीं यार। क्या बात है, मेरे को डाउट है। डाउट तो है ना भाई, इसके लिए पूछा। तो गाइस शायद इसको गिनती नहीं आता, ठीक है, डाउट क्लियर करना पड़ेगा। छोड़ जाना यार, डाउट बाद में क्लियर करता, ठीक है। पहले आप लोग इन्जॉय कीजिए और मज़ा कीजिए, ठीक है। देखिए कुछ लोग भाई चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, ठीक है। अभी जर्नी इन लोगों का स्टार्ट हुआ है और मैं तो भाई चढ़ के आया, ठीक है। और देखिए वो रहा झरना जहाँ से पानी भाई नीचे पूरा गिर रहा है, ठीक है। और ये जो पानी ना पानी ये समुंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मेरा भाई नहीं रहा, भागल तुम लोग का दोस्त रहेगा वो। तो गाइस देख पा ये रहा बंदर भाई, जो एकदम शांत व्यवहार में बैठा है। अगर मैं छेड़ू ना इसको तो भाई ये अपने रूप में आ जाएगा पूरा। देख पर भाई बहुत डर लगता बंदर से, पिछली बार भाई मुझे छेड़ दिया था इसने मुझे, मैं कुछ लाया था खाने के सामान वो भाई ले लिया था, बट इस बार मैं देने वाला हूँ नहीं, भाग गया पीछे। और देख पर कितना भाई फनी, पूरा फनी मोमेंट्स बना, ठीक है। सब लोग बस आया, दूर दूर से लोग आते, ठीक है, और हर एक राज्य से लोग आते हैं यहाँ पे मस्ती करने के लिए और फुल मजा करते, ठीक है, बारिश टाइम, ठीक है। देख पर कितना शर्म भाई, कपल्स लोग आ रहे हैं भाई, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो क्या बोलता है मेरे पब्लिक, क्या बोलती है?
क्या बोलूं मैं, मजाक किया पूरा कि नहीं मजाक किया? और क्या, फुल मजाक किया भाई, पूरा मजाक किया। तू कितना मजाक किया? बहुत। कितना? बहुत कितना? बहुत यार, ढेर ढेर सारा। तो गाइस मेरा दोस्त बहुत ही एंजॉय किया, मतलब कहने का बात ही नहीं, ठीक है। इतना सारा आप लोगों को हरियाली दिखाया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार अच्छे लोग तो बाकी क्या करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलता है वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस चलते कनेरी कैब में, ठीक है, और देखते इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने मिलता है, ठीक है। ये रहा भाई कुछ अंदर का नज़ारा, जो कि आप लोग देख सकते हैं भाई, बहुत सालों का भाई ये गुफा बना हुआ पहले से, ठीक है। और ये पूरा पत्थर की गुफा है, ना कि सीमेंट का। आप लोग देख सकते हो भाई, काफ़ी यूनिक सा बना भाई और बहुत ही पुराना है। चलते कुछ दिखाता हूँ, ठीक है आप लोगों को। ये पूरा बौद्ध धर्म का बना भाई, देखिए कितना सारा स्तूप भाई, कितना सारा मूर्ति बने हैं। और ये देखिए सब पहले ज़माने का है, जितने कलाकार थे ना भाई, वो सब अपने हाथों से उन्होंने छैनी हथौड़ी से बनाया, ठीक है। देखिए ये देखिए कितना मस्त बना। और कुछ इस तरफ भी देखिए भाई, कितने सारे भाई, कितना मेहनत से बनाया गया इस पत्थरों को बना के, टूट टूट करके। देखिए आप लोग अगर देखना पुराना पुराना चीज़ें, पुरानी इमारतें वगैरह, तो आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि है बोरवली। और इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भाई बड़ा सा गुफा है, देखिए बड़ा सा स्तंभ भाई ये तो।